नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। आप देख रहे हो आदिवासी फार्मिंग। तो अभी दौरी हो रहा था, यहाँ आप देख लो पूरा धान उन दौरी होके फेंक दिए हैं पूरा पूरा। और अब चलते हैं, कल्टीवेटर अटैच करते हैं और खेत जोतते हैं। कुछ धान वाला जोतना है जो कि बहुत हार्ड होता है। तो चलो कल्टीवेटर अटैच करते हैं। तो कल्टीवेटर सक्सेसफुली अटैच हो गया है। चलो जल्दी आते हैं, तेल डाल के और जोत के। चलो बैठो। और इस टायर में हवा भी कम है, दुकान मिलेगा वहीं पे डालेंगे। फाइनली खेत में पहुंच चुके हैं। ये सामने वाला खेत है, इसमें पलेवा हुआ है और इसको जोत के बोना भी है। तो देख लो, पलेवा दिए कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं। तो पथरीला ज़मीन है इसीलिए जल्दी सूख गया है। चलो इसी को कंप्लीट करते हैं। तो इसके नीचे भी है, ये जो दिख रहा है पानी के ऊपर यही वाला। ये और ऊपर वाला दोनों कंप्लीट करना है। और इधर देख सकते हो बहुत सारे बच्चे मछली वछली मार रहे हैं। इधर देख लो, ये सब अपने गांव के हैं। और देख लो कैसे कूद रहे हैं। इसमें डबल नट लगा हुआ है, तो बाहर वाले को ढीला कर लेते हैं। और इधर से दो चूड़ी कम से कम ऊपर कर देंगे। तो दो चूड़ी ऊपर हो गया है, अब उस साइड पर कसते हैं। तो कितना शानदार दृश्य है। अरे देखो मछली, बड़ा वाला मछली फंस गया है, देखो एकदम। तो दोनों साइड कस चुका है। चलो अब खेत जोतते हैं, देखते हैं। ब्रेक अभी अच्छा खासा लगता है, चलो जोतते हैं। तो ये वाला खेत कंप्लीट हो गया, जोता और बुआ दोनों साथ में गया। इसमें गेहूँ बो दिए हैं। आज 30 अक्टूबर है और 30 अक्टूबर को गेहूँ बोया गया 10 दिन पहले ही। ये शायद सबसे फास्ट गेहूँ बोया गया है अभी मेरे गांव का, और आसपास में भी कहीं इतना फास्ट गेहूँ नहीं बोए हैं। 30 अक्टूबर को खाली हो गया बुआ की, इतना फाइनल करीब पता नहीं कितना होगा, लेकिन जोतने में 35 मिनट लगा। और नीचे थोड़ा सा है इसके नीचे, तो भाभी जी स्माइल करते हुए चली जा रही हैं। तो इसमें सिड्रिल उड्रिल कुछ नहीं लगा है, न टाड़
खाली हाथ से बो दिए हैं। तो देख लो ये पूरी पथरीली ज़मीन है। तो वीडियो का आज दूसरा दिन है और यहाँ पे चल रहा है काम थोड़ा सा, जो ये पराली है इसको शिफ्ट कर रहे हैं और खरिहान को अच्छे तरह से गोबर से लिपाई हो गया है और उस साइड नया दाबी भी रखा जा रहा है। को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।